नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 29 इंडिया में। मैं हूं आस्था चौहान और आइए रुक करते हैं अभी की ताजा खबरों की तरफ, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। अटल बिहारी शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय का विदिशा में शिवराज सिंह चौहान ने किया लोकार्पण। राजस्थान पुलिस ने किया अंतर्राज्यीय ट्रक चोर गिरोह का पर्दाफाश, 10 ट्रक चोरी करने की वारदातें कबूल। मंडला जिले में घुंघरी जनपद पंचायत के लोग विकास न होने से हुए नाराज, रोड नहीं तो वोट नहीं के लगाए नारे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विदिशा में अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा महाविद्यालय का लोकार्पण किया, लेकिन शिवराज सिंह का ये दौरा विरोध के साए में नजर आया। उनके दौरे के विरोध को लेकर सपाक्स कार्यकर्ता दोपहर से ही विदिशा के माधवगंज पर एकत्रित होना शुरू हो गए थे, जिनकी भनक लगते ही आनन फानन में पुलिस ने उन्हें वहीं गिरफ्तार कर लिया। वहीं भीड़ कम आने की आशंका को लेकर कार्यक्रम के एक दिन पहले जिला शिक्षा अधिकारी ने जिले के स्कूलों से कक्षा 11वीं और 12वीं के छात्रों को कार्यक्रम में भेजने का आदेश जारी किया था। आदेश में स्पष्ट लिखा कि छात्रों को कोई परेशानी न हो, इसके लिए उन्हें लाने वाली बस में खाने और पीने के लिए पानी का इंतजाम रखने को कहा। वहीं विदिशा के नवीन कॉलेज के छात्रों ने उन्हें कार्यक्रम में भेजने का स्पष्ट विरोध किया। सीएमआई और उन्होंने पूजा अर्चना कर मेडिकल कॉलेज का शुभारंभ किया। इसी के साथ उन्होंने कहा कि एक 750 बिस्तरों का अस्पताल भी होगा। सीएम जब भाषण दे रहे थे तो दोपहर से आए छात्र छात्राओं का धैर्य जवाब दे गया और सीएम के भाषण के दौरान ही वो सभा से जाने लगे और सीएम खाली कुर्सियों को भाषण सुनाते रहे। विदिशा से आशीष चौधरी की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में खांबरा गिरोह की तर्ज पर ट्रक चोरी करने वाले अंतर्राज्यीय ट्रक चोर गिरोह को रायसेन पुलिस ने गिरफ्तार कर उनके पास से ट्रकों के टायर, बैटरी, तिरपाल आदि सामान जब्त किया है। पुलिस ने पत्रकार वार्ता में बताया कि रायसेन एसडीओपी मुकेश चौबे की टीम ने सांची के पास पेट्रोल पंप से चोरी हुए ट्रक के इन्वेस्टिगेशन के दौरान इस गिरोह के 3 आरोपी को गिरफ्तार किया है। इन आरोपियों से पूछताछ में आरोपियों ने भोपाल, विदिशा, होशंगाबाद, रायसेन जिले से 10 ट्रक चोरी करने की वारदातें को कबूल किया है। आरोपियों के पास से बड़ी मात्रा में ट्रकों के टायर, बैटरी, तिरपाल आदि सामान जब्त हुआ है। हैरत की बात यह है कि 10 घटनाओं को अंजाम देने के बाद पहली बार ये गिरोह पुलिस की गिरफ्त में आया है। पकड़े गए सभी आरोपी विदिशा जिले के निवासी हैं। रायसेन से तारिक खान की रिपोर्ट। सांची पेट्रोल पंप से ट्रक चोरी किया था, अब मनागढ़ फरार लिया खड़ा करा था। पेट्रोल पंप का इकतार खोल दिए थे, 4 रस्सी तिरपाल बैटरी खोल के बंद छोड़ दिया था। किसको भेजते थे? कितने ट्रक चोरी किए? एक सांची से किया था और 2-5 किए थे। 2 सांची से सामान खोला था, 5 ट्रकों का सामान नहीं खोला था। एक सिरोही से किया था, उसका सामान खोला था, और एक बेरसिया से किया था। ये 2 भोपाल से किए। बुरहानपुर जिले में हुई कम वर्षा के चलते शहरी क्षेत्र में जल संकट की स्थिति बनने लगी है। सोमवार को शहर के नागझिरी एवं राजपुरा वार्ड में जारी जल संकट की स्थिति के चलते नागरिकों ने नगर निगम कार्यालय का घेराव कर जमकर हंगामा किया और नए ट्यूबवेल लगाने की मांग की। बताया जा रहा है कि कम वर्षा के चलते जहां भूजल स्तर नीचे गिरा, वहीं शहरी क्षेत्र में बिना अनुमति के खोदे जा रहे ट्यूबवेल लगाने के चलते भी पुराने ट्यूबवेलों में जल प्रदाय प्रभावित हुआ है, जिसके चलते वार्डों में जल वितरण की स्थिति खराब हुई है और इसके बाद नागरिकों ने अपना आक्रोश नगर निगम के ऊपर निकाला। वहीं निगम के अधिकारियों का कहना है कि वार्डों में नए ट्यूबवेल की अनुमति देकर निगम जल संकट की स्थिति से जल्द ही नागरिकों को राहत दिलाएगा। उदाहरण की अनुमति दी गई है, तो यहाँ में लगातार वाटर लेवल नीचे होता जा रहा है, जिसके कारण ये समस्या आ रही है। हमारे नलकूप जो ट्यूबवेल है वो लगातार बंद होते जा रहे हैं, इसलिए ये समस्या आ रही है। तो अभी हमारे यहाँ से अनुमति दी गई है नलकूप खनन के संबंधित क्षेत्रों में। बुरहानपुर से तफजुल हुसैन मुलायम वाला की रिपोर्ट। आदिवासी बाहुल्य मंडला जिले के घुघरी जनपद पंचायत के लोग विकास न होने से नाराज है और आने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनाव को लेकर रोड नहीं तो वोट नहीं की महापंचायत लगाने का मन बनाया है।
वर्तमान की भगवा सरकार और मंडला से भाजपा सांसद, पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा के ही विधायक के होने के बाद भी लोग विकास की उपेक्षा और स्थानीय समस्या को लेकर आंदोलन को तैयार है। वहीं सरकार के विकास के दावों की पोल खुलती नजर आ रही है, जहां मंडला जिले के पद्मी से रामनगर, घुघरी, सहलाव और अमरपुर तक रोड नहीं होने से परेशान क्षेत्रवासियों ने आने वाले चुनाव में वोट नहीं डालने का निर्णय लिया है और निर्णय के पहले महापंचायत बुलाई है, जहां महापंचायत में रोड नहीं तो वोट नहीं का सामूहिक आयोजन किया जाएगा। वहीं आयोजन के पहले क्षेत्रवासियों के साथ साथ कांग्रेस और भाजपा पार्टी से नाराज होकर स्थानीय नेता अपने पदों से इस्तीफा दे रहे हैं। मैं लगभग जब से देश आजाद हुआ है, जब से जो भी रोड बनी हुई थी उस जमाने की, वही रोड आज भी है। सभी जगह की रोड बन चुकी हैं, मात्र एक घुघरी ऐसा ब्लॉक है, घुघरी तहसील ऐसा है जहाँ पे उपेक्षित है। तो यार इसी कारण से मैंने आपके साथ रहते हुए मैं भारतीय जनता पार्टी से सक्रिय भारतीय जनता पार्टी से कौन सा एक महापंचायत का सम्मेलन करने जा रहे हैं, उसके तत्वाधान में हमारे क्षेत्र में सांसद द्वारा, विधायक द्वारा या कोई भी किसी पार्टी के द्वारा हमारे क्षेत्र के विकास के लिए कोई ध्यान नहीं दिया जाता और हम उससे हम लोग लगभग कई सालों से वंचित हैं। हमारे क्षेत्र में वो रोडें नहीं हैं, हम जानवर की ज़िंदगी जी रहे हैं। इस कारण से हम लोग किसी भी पार्टी में हमको नहीं रहना है, हमको अपनी बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता से हमको इस्तीफा देना है। मंडलम अध्यक्ष ब्लॉक कांग्रेस कमेटी संगाव मंडलम से हूँ और मैं त्यागी महापंचायत के साथ में हूँ। उस महापंचायत में मैं यह देखा कि लोगों ने जिस तरीके से मांग उठाई, वह जनहित में है और ये मांग पूरी होनी चाहिए। अगर पूरी नहीं होती तो हम लोग और आगे भी इस आंदोलन को उग्र करेंगे और मैं अभी आज इसी वक्त कांग्रेस पार्टी के पूर्ण दायित्वों से मुक्त होता हूं और इस समिति में पूर्णतः सलवा क्षेत्र की कमान संभालने का काम करूँगा। मंडला से श्वेता सोनी की रिपोर्ट। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ। देखते रहिए न्यूज़ 29 इंडिया, एक देश सारे प्रदेश।